है उमर, क्या हुआ है? जहांगीर ले गया है उमर, तुम्हारी बीवी ने उसे जाने दिया है। मैं अभी लेकर आता हूँ उसको। नहीं नहीं, पहले इसे इस घर से जाना होगा। इसको बोला चली जाइए इस घर से, तुम चली जाओ इस घर से, जाओ तुम यहाँ से। ये इस घर से जाएगी, इसको बोले चली जाए यहाँ से। अभी मैंने तुम्हें, अरे तुम दफा हो जाओ यहाँ से। राबी यहाँ क्यों आई है? गौहर ने अपने झगड़े में राबी को भी घसीट लिया। अब मुझे नहीं पता कि साकिब को मुनासिब लगा या गौहर ने निकाला है। किसके साथ रहना चाहती हो? मेरे साथ या बाबा के साथ? किसके साथ रहना है? बाबा। गौहर, जहांगीर। नाजुक रिश्तों में बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। ठीक है, अगर साकिब का रवैया, उसका सलूक हमारी राबी के साथ अच्छा है तो हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। लगता है वक्त सूखी रेत की तरह मेरे हाथों से निकलता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अंधेरे के बाद सवेरा होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। तुम्हारी जिंदगी में उजाला जरूर आएगा बेटा। मेरी तो उम्मीद टूटती जा रही है अम्मी। गौहर को रिश्तों के टूटने और बिखरने का कोई एहसास नहीं। उसकी अम्मी, भाई, कोई भी ये बात नहीं समझ पा रहा। वैसे वहां हुआ क्या था? होना क्या है सिवाय लड़ाई झगड़े के? वहां कुछ और नहीं हो सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। बस यहाँ ऐसी कुछ मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा आना रह गया। जो आराम और सुकून भाई के घर में है वो तो जहांगीर के घर में था ही नहीं। हर वक्त पाबंदियाँ, घड़ी देखकर एसी चलाओ, जो पका है वो खाओ। मैं नहीं रह सकती इतनी पाबंदियों में, आई कांट सर्वाइव ओवर देयर। तो फिर क्या सोचा है तुमने? किसी काम का नहीं है वो आदमी, मैं नहीं वहाँ रहना चाहती। जो कुछ भी बचा कुचा रिश्ता है ना, मैं चाहती हूँ वो भी खत्म हो जाए। अगर तुम्हारा यही इरादा था तो भाई की जल्दी शादी करवाने की क्या जरूरत थी? 2-4 साल तुम टाल भी तो सकती थी ना। हाँ, बस हो गई गलती, एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, रिश्ता खत्म करने से पहले ना सोच लेना, भाई के साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। शोरों से भी बड़ा अजाब बन जाते हैं और कुछ अरसे के बाद बीवी की जबान बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। और अगर उस राबी ने जरा सी भी गड़बड़ की ना तो मैं मक्खन में से बाल की तरह उसे निकाल बाहर करूंगी। अच्छा चलो गुड है, ये बताओ कि दुबई कब चक्कर लगाओगे? जल्दी आऊंगी। हाँ, अकेले ही आना ताकि हम अच्छा वक्त गुजारे एक साथ। अच्छा सुनो, तुमने मेरे लिए उस सैलून से अपॉइंटमेंट लेना है जहाँ से तुम हेयर कट कराती हो, क्या? उमर मेरी जान, आपको जिद नहीं करनी चाहिए थी ना? मुझे वो रिमोट कंट्रोल कार चलानी थी और कार चलाने के लिए बाबा के साथ जाना जरूरी था। क्या मैं बाबा से मिलूं भी नहीं? मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते, लेकिन मम्मा की इजाजत से। मामा इजाजत ही नहीं देती है ना। देंगी इजाजत, मैं तुम्हारे लिए उनसे इजाजत लूंगा, लेकिन इजाजत लेना जरूरी है। मामा तो मुझे कह रही थी वो मेरी रिमोट कंट्रोल कार ड्राइवर के बेटे को दे देंगी। तो देने दो, मैं तुम्हें उससे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रिमोट कंट्रोल कार लेके दूंगा, जानते हो ना मुझे। ठीक, मामू के बेटे हो ना, फिक्र क्यों कर रहे हो। जब तक मामा नहीं आ रही मैं कार्टून देख लूं।
चलो देख लो। थैंक यू। वैसे कर दिया। आग सुलगती रहती है मन अंदर, खाली अखियां क्या देखेंगी जल बुझ कर। हेलो बाबा, मैं उमर बात कर रहा हूँ। अरे कैसे हो मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारा? मामा ने दोबारा तो नहीं मारा? नहीं, मामा ने मारा तो नहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं घर पे हूँ। मामा घर पे नहीं है, वो तैयार होके चली गई है। और आपको पता है, वो कह रही थी वो मेरी रिमोट कंट्रोल कार ड्राइवर के बेटे को दे देंगी। नहीं देंगी वो किसी को, मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मामा जो कहते हैं वो वही करती है। आप एक काम करें, आप है ना बाहर से आके मेरी रिमोट कंट्रोल कार ले जाएं, लेकिन अंदर मत आइएगा। ठीक है बेटा, कुछ करता हूँ मैं। और मामा कह रही थी तुम अपने बाबा से नहीं मिल सकते और उनके घर भी नहीं जा सकते हो। तुम परेशान मत हो बेटा, जब तुम कहोगे मैं तुमसे मिलने भी आ जाऊंगा और तुम्हें लेकर भी जाऊंगा। जब आप मेरे लिए उससे भी बड़ी रिमोट कंट्रोल कार ले आएंगे ना, तो फिर आप मुझे यहाँ से ले जाइएगा और मैं वहीं पे खेल के वहीं पे रखाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे बाबा ना जल्दी से यहाँ से गाड़ी ले जाए, फिर वहाँ पे वो वाली गाड़ी चलाऊंगा, यहाँ पे साके मामू नहीं दिला देंगे। बाबा का नंबर तो डिलीट कर दो। भाई अम्मी क्या बता रही हैं? भाई ऐसी भी कौन सी अनहोनी बात बता दी मैंने? मतलब भाई भाभी को मैके सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि आप ही गुस्से में थी। हाँ, और वो गुस्सा भी राबी की वजह से ही था। ठीक है भाभी से गलती हो गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको घर छोड़ा है। राबी के गुस्से का क्या बना, वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही है। बहुत गलत किया आपने भाई। ऐसी भी कोई गलत बात नहीं है हसन, वो अपने भाई के घर गई है, किसी गैर के घर नहीं गई। अच्छा है, दो दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। भाई अगर वो यहाँ से हंसी खुशी जाती तो रिलैक्स करती। जिस सिचुएशन में आपने भेजा है वो परेशान हो रही होंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसको मुझे अपने तरीके से हैंडल करना है, समझे? तो अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी बीवी गलत करती तो मैं उससे कहता कि तुमने गलत किया है, उसे छोड़कर नहीं आता। तेवर देख रहे हो तुम इस लड़के के, ये सिर्फ इसलिए इतना बोल रहा है
कि उस लड़की का भूत इसके सर पर सवार है और इसीलिए गौर इसकी उस लड़की से शादी करना नहीं चाहती, यही वजह है। राबी, ठीक से खाना खाओ ना। ठीक से खा रही हूँ। साकिब का फोन है। जी साकिब। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खाना खाया? मैं खाना ही खा रही थी, आपका फोन आया तो इसलिए कमरे में आ गई। चलो जाओ आराम से खाओ, मैं कल फोन करता। साकिब प्लीज थोड़ी सी तो बात कर लें। अलीम से क्या कहा तुमने, क्यों आई हो? मैंने आपसे पहले कहा था मुझसे नहीं हो पाएगा। अब आपने मेरी हालत देखी थी, रो रो के क्या हो रही थी, ऊपर से आप मुझे घर में छोड़ने भी नहीं आए। भाई और भाभी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये क्या बात है, तुम में अपनी कोई समझ नहीं? तुम कुछ भी बहाना कर सकती थी। ये कह दी थी कि मेरी कोई मीटिंग है, मैं बिजी हूँ, कुछ भी। मैं क्या बहाना करती साकिब, ना बैग ना सामान, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अगर कहना चाहती तो कुछ भी कह देती, जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने। साकिब मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस उन्हें यही बताया कि आप ही को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझ पर। आप ही का नाम लिया तुमने, तो फिर और पीछे बाकी क्या रह गया? साकिब मेरा दिमाग मत खाओ, छोड़ो अभी, बाद में बात करूंगा तुमसे। आफरीन बेटा, जाएं जाके देखें पप्पो कहाँ रह गई, प्लीज। जी बाबा। पप्पो जान, आपको बाबा बुला रहे हैं। बाबा को बोलो मैं आ रही हूँ, ठीक है? जाओ। थैंक यू। सब खैरियत है? साकिब ठीक है? ठीक है, वो कल आएंगे, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम।
इतने साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं राबी, जानती हूँ तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत कुछ पढ़ लेती हूँ। क्या मतलब? झूठ बोलकर अपने भाई को तो मुतमईन कर लोगी तुम, कि मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम। मैं समझी नहीं। देखो राबी, जब मियां बीवी के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, हर मुश्किल हालात में तपती धूप में एक दूसरे के लिए मजबूत चट्टान बन के साथ रहते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप भी तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है राबी, नहीं है ऐसा। साकिब चाहता तो वो अपनी बहन को मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पर मैं जानती हूँ तुम बोलो ना बोलो तुम्हें भी इस बात का बहुत दुख है। देखो मैं समझ सकती हूँ, ससुराल में जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है बहुत। वो भी ऐसा ससुराल जहाँ गौहर जैसी नंद हो, अंदाजा है मुझे। लेकिन राबी, हर चीज तुम अकेले डील नहीं कर सकते, मुझे और तुम्हारे भाई को मिलके डील करना होगा। इस समय भरोसा करना पड़ेगा हम पर। सच बताओ एक बार, साकिब ने हाथ उठाया ना तुम पे? साकिब उठाया है ना उसने हाथ? नहीं, साकिब ने नहीं, आप ही ने। कुछ नहीं, कुछ दिन पहले तुम और राबी यहाँ बैठे हुए थे, आज तुम्हें यहाँ अकेला देखकर बहुत उदास हो गई। नहीं नहीं, आप उदास ना हो, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत गुस्सा आ गया होगा ना तुम्हें मुझ पर? आप पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आ सकता आप ही, ऐसा सोचिएगा भी मत। ऐसा करते कल मैं और तुम राबी के घर चलते, उसे मना कर ले आते। मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाओ जाकर सो जाओ। थैंक यू।
क्या जादू इसके सर पर चढ़ गया है। मुझे भी यह जादू तोड़ना आता है। राबी ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुनीजा से मैंने सुना है कि गुस्से में गौहर बहन का राबी पे हाथ उठ गया था। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाई मुझसे ये रोज रोज सुबह उठकर बच्चे को स्कूल भेजने का काम नहीं हो सकता, साफ बात है। या तो उसकी माँ को जगाया करो या कोई और इंतजाम करो। अम्मी आप ही ने कहा था जब वो सुबह उठेंगी तो मेरे साथ राबी को लेने उसके घर जाएंगी। तो आप ऑफिस नहीं आ रहे आज? नहीं, 2 बजे मीटिंग थी, कैंसिल करवा दूं क्या? ओ, नहीं वो कैंसिल मत करा, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे ऑफिस पहुंचूं। देखो साला, घर के काम काज के लिए औरत का बंदोबस्त हो गया, वो बाहर खड़ी है, भिजवा दो अंदर उसे। जी चले भाई, हम तो चलते हैं ऑफिस। अल्लाह हाफिज बेटा। हेलो, एक सेकंड, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? रुखसाना। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं। आज अलीम ने भी छुट्टी कर ली और तुम भी घर पर हो, तो क्यों ना कुछ खाने का अच्छा इंतजाम किया जाए। रबी बताओ क्या खाओगी? कुछ भी बना ले भाभी, आप तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? तुमने कहा तो है कि साकिब आज रात को आएगा तुम्हें लेने, फिर क्यों उदास हो रही हो? उदास तो नहीं हूं, अजीब सी बात है, जिस घर में जिंदगी का इतना अरसा गुजरता है वहां शादी के बाद एक दिन भी नहीं लगता। बात सुने ली, क्यों ना हम साकिब को भी लंच पे बुला ले, सामने आएगा तो अच्छे से बात भी हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, उसे खुद आने दो लेने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाते। आप मुझे बताएं खाने में क्या बनाऊं, बिरयानी बना दूं? जो दिल चाहे बना लो। इन्हें क्या हो गया है? भाई मेरी वजह से परेशान है ना, यही बात है ना? पता है राबी, हम लड़कियों का ना मैके से एक अजीब सा रिश्ता होता है। ससुराल से हंसी खुशी आकर चाहे एक महीना रह लो, कहां गुजर जाता है पता नहीं चलता। कि नाराज होकर अगर एक दिन भी आ जाओ ना, घर वालों पर क्या गुजरती है कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा कि साकिब मुझे लेने आएंगे? यकीन है मुझे, पूरा यकीन है। बस चलो उठो, अकेले थोड़ी ना बनाऊंगी बिरयानी, आओ चलो चलो। बड़ी बीबी जी ने कहा था कि उनके नवासे के कपड़े धोकर फैला दूं, तो मैंने धो भी दिए और इस्त्री करके आयरन स्टैंड पे रख दिए। अच्छा, वैसे आप अपने मैके में क्यों रहती हैं? आपके शौहर कहाँ होते हैं? क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, जासूसियां करने के लिए नहीं।
जाए यहाँ से। है तौबा, मैं तो काट खाने को दौड़ती हूँ। गौहर, तुमने साकिब से कहा है कि राबी को लेने जाना है, हैं? आप इधर आइए, यहाँ बैठे, बताती हूँ। बैठे। कल रात साकिब लॉन में अकेला बैठा हुआ था, मजनू की तरह मुंह लटकाए हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम राबी को लेने जा रही हो? अम्मी, झगड़ा भी तो मेरी वजह से हुआ था, वरना तो मेरी जूती भी ना जाए उसे मनाने। अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है, जाके ले आओ। जो कुछ भी हो रहा है हमारे आंखों के सामने ही तो हो रहा है, वरना साथ वाली मिसेज नसीर को देखो, उनकी बहू ने जान बूझ कर घर में झगड़ा फसाद किया और कुछ ही दिनों बाद शौहर को लेकर अलहदा हो गई। साकिब ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, आप फिक्र ना करें। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि ये जो नई मासी आई है, इसे कोई काम वगैरह भी आता है या कुछ नहीं? देखा है तुमने? बता तो दिया है, काम आता है उसे, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, मगर मुझे लग बहुत तेज रही है वो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया तो चले। हाँ अम्मी, काम वाली से कहिएगा कि राबी का कमरा बहुत अच्छी तरह साफ करे, हम राबी को लेने जा रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं फिर आती हूँ। जी। चेहरे से देखो किस कदर खुश लग रहा है, बीवी को जो लेने जा रहा है। कह तो ठीक रही है। जाती हूँ मैं। राबी बेटा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, और बेहतर यही होता है कि घर की बात घर में ही रहे, लेकिन अगर बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो स्टैंड लेना पड़ता है। तुम्हारी सास बहुत माकूल खातून है, बुर्दबार और समझदार लगती थी मुझे, लेकिन तुम्हारी नंद गौहर जरा मुख्तलिफ मिजाज की औरत है, जज्बाती और तेज किस्म की। इस बात का अंदाजा मुझे वलीमे के दिन ही हो गया था। नहीं भाई, गौहर आप ही बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी बात पे कुछ नहीं कहा। अच्छी बात है, बहने बेटियां अपना घर बसाने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं। जैसा मैंने सुना कि गौहर बहन ने तुम पे हाथ उठाया, ये बात मुझे बहुत गलत लगी राबी, और अब जबकि वो उस घर में आके बैठी हुई है तो ये लड़ाई झगड़े तो आए दिन होंगे, इसीलिए मैं साकिब से खुद बात करना चाहता हूँ। भाई आप साकिब से कोई बात मत कीजिएगा, गौहर आप ही ने मुझसे माफी मांगी थी, वो बहुत शर्मिंदा भी थी, प्लीज आप साकिब से मत कुछ कहिएगा। राबी, आज का मसला आज ही हल हो जाए तो बेहतर होता है, ताकि आइंदा के लिए वो लोग संभल जाएं और दोबारा ऐसी नौबत ना आए। मैं देखता हूं। अरे अम्मी, पराठों की क्या जरूरत थी, इतना कुछ तो रखा हुआ है। अब मैं तुम्हें रोज पराठा खिला के भेजूंगी, पेट भर के जाया करो, जानती हूँ लंच तो तुम करते नहीं हो, भूखे रहते हो सारा दिन। अब ऐसा भी नहीं है, सब जानती हूँ, देख लो अपनी सेहत कितने कमजोर लग रहे हो। आप माँ की नजर से देख रही ना, हर माँ को अपना बच्चा कमजोर ही नजर आता है। अच्छा बातों में मुझे टालो नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लंच टाइम में तुम घर आओगे और खाना खा के जाओगे। अम्मी आज नहीं, आज मुझे गौहर की तरफ जाना। फिर झगड़ा कर लेते, क्यों बार बार जाके खुद को अजियत देते हो? बस जब से उसने खर्चे वाली बात की है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, आज जाकर दूंगा उसके हाथ में खर्चा, बताना चाहता हूँ मैं उसे कि मैं कमजोर नहीं हूँ, इन हालात में भी उसका और अपने बच्चे का खर्चा उठा सकता हूँ। इसका मतलब लंच भर गया। क्यों फिक्र कर रही हैं आप? अच्छा आज ऐसा करूंगा कि मैं ऑफिस से सीधा घर आऊंगा, आपके हाथ की बनी हुई अच्छी सी चाय पीऊंगा, फिर दूसरी जॉब पर जाऊंगा। आराम तो नहीं मिलाना? अरे अम्मी सारी रात पड़ी आराम करने के लिए। अच्छा ऐसा करें, आधा कप चाय और दे दो, आपके हाथ का पराठा खा के ना मजा आ गया आज। ला, इसीलिए कह रही हूँ रोज खा के जाओगे। अब तो रोज खाऊंगा। वाह वाह,
बचपन याद आ गया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बैठिए। जी बैठिए। लीम भाई, लगता है आप भी मेरी तरह छुट्टी मना रहे। तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ऑफिस नहीं गया। अलीम भाई, आपकी प्रिंसेस कहाँ है? वो स्कूल गई है, आती ही होगी अभी। ओहो, उमर के भी तो स्कूल से आने का टाइम हो गया है, और जब उसे पता चलेगा मैं घर पे नहीं हूँ तो एक हंगामा खड़ा कर देगा। राबी को तो मालूम है। जी। अलीम भाई, हम राबी को घर ले जाने आए। जरूर ले जाएं। अब वही उसका घर है, वहीं रहना है उसे सारी जिंदगी। लेकिन मेरे कानों तक एक बात पहुंची थी और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे साकिब से कुछ बात भी करनी थी। छोड़े ना, कहने दें। नहीं नहीं राबी, अलीम भाई को कहने दो जो उन्होंने कहे। जी अलीम भाई। साकिब, माएं बहनें हमारी इज्जत होती, हमारी सर आंखों पर। अपनी माँ और बहन के सामने अपनी बीवी को इज्जत से रखना और उसकी इज्जत करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। गौहर बहन का जो भी मसला है अल्लाह पाक उसे हल करे। राबी ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुनीजा से मैंने सुना है कि गुस्से में गौहर बहन का राबी पे हाथ उठ गया था। अलीम भाई, इसीलिए तो मैं खुद माफी मांगने आई हूँ साकिब के साथ। अगर इसका दिल मेरी तरफ से मैला हो गया तो वो साफ हो जाए। अली भाई, राबी अच्छे तरीके से जानती है कि आप ही गुस्से में कभी कभार कंट्रोल खो देती हैं, लेकिन वो खुद इस बात को अच्छी तरीके से रियलाइज करती है। जैसी अपनी गलती समझती हैं फौरन से जाके अगले इंसान को गले भी लगा लेती हैं, और राबी को भी लगाया आपने देखा। जहर का इलाज शहद से नहीं होता साकिब। क्या मतलब? हम आपकी बहन को जहर देके मारे? अलीम भाई, घरों में ऊंच नीच हो जाती है, बजाय इसके कि आप अपनी बहन को समझाएं, ऐसी बातें करके तो आप और उल्टा उसका दिल खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, अलीम का वो मतलब नहीं था। इनका मतलब जो भी था, आप मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में नन भावच के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती? आप दोनों ने कभी एक दूसरे को पलट के जवाब नहीं दिया? बताएं मुझे। हमारे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है अलीम भाई? आपको लगता है जो कुछ हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? इसकी कोई गलती नहीं थी, ये सारा झगड़ा फसाद मैंने कराया है। आप बात को गलत तरफ ले जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बहन से, अब इसको यहाँ अपने पास ही बिठाएं, लेकिन मैं अपनी आपी के बारे में एक भी गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आपी। साकिब, साकिब, साकिब। तुम छोड़ो मुझे, हटो। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप मुझे हटो पीछे। चलो आप ही चलो।
रात को तुम्हें अकेला बैठा देखकर इस कदर मेरा दिल खराब हुआ कि क्या बताऊं। कमरे में आकर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। मैंने खुद को तसल्ली दी कि सुबह राबी को घर ले आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने प्यार इतने मान से मैं उसे वहां मनाने गई थी, पर वहां तो छोड़े इस बात को। अभी गलती मेरी है ना, मुझे गुस्सा आता ना मैं तुम्हें कहती कि राबी को घर छोड़ाओ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दी। आपकी कोई गलती नहीं है आपी। उनके घर में ऐसा नहीं होता ना, तो फिर बिठाएं अपनी बहन को वहां पे। मेरी गलती यह है कि मैं वहां चला गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ दिन और इंतजार करवाता तो दिमाग ठिकाने आते इनके। हाँ हसन बोलो। भैया पहुंच रहे हैं, मीटिंग स्टार्ट कर दूं? हाँ तुम उनको बिठाओ, मैं पहुंच रहा हूँ, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। देखो रब, आज उन लोगों की अस्तित्व हम लोगों के सामने भी आ गई। नीसी बात पे इतना बड़ा हंगामा कर दिया उन्होंने। बात छोटी नहीं थी, भाई ने कितना सख्त जुमला कहा उन्हें। और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो कम था? मैं बर्दाश्त कर रही थी भाई, कभी आप लोगों से शिकायत नहीं की मैंने। मैंने अपनी नाजों में पली हुई बहन इसलिए नहीं हवाले की उन लोगों के कि वो तुम पे अजाब डालते रहे और तुम सहती रहो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि साकिब मुझे छोड़ दे? अल्लाह ना करे, क्या कह रही हो राबी? अगर साकिब ने कोई गलत फैसला किया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे भाई। अलीम अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे परेशान मत हो।